chess.com आपको दिखाएगा कि एक ओवर द बोर्ड चेस टूर्नामेंट आप कैसे खेलें, क्योंकि हम जा रहे हैं प्लेइंग हॉल की तरफ और आपको पूरा स्नीक पीक देंगे लाइव इन द डे ऑफ अ चेस प्लेयर। और दोस्तों हम पहुंच गए टूर्नामेंट मेन्यू पे और यहां से प्लेइंग हॉल के बीच में क्या क्या होता है जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए। देख सकते हैं ये वेटिंग एरिया, मतलब जहाँ पेरेंट्स एंड कोचेस सारे हैं, अकम्पनिंग पर्संस यहाँ पे हैं एंड ये टूर्नामेंट बाहर रुकते हैं यहाँ पे एंड जब तक गेम्स अंदर खेल रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं एंड ब्रेकफास्ट एरिया भी यहाँ पे है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप प्लेयर्स के लिए वो है ये नोटिस बोर्ड। ये नोटिस बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि पेरिंग्स लगे हुए हैं, यानी कि सारे प्लेयर्स के नाम हैं यहाँ पे एंड आपको देखना है कि आपका नाम कहाँ पे है। एंड ये है लेफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेबल नंबर्स। तो ये टेबल नंबर वन मतलब आपको अंदर जाके बोर्ड नंबर पे बैठना है एंड आप देख सकते हैं ऐसे 42 तक है एक शीट पे, फिर आता है 43 से लेकर 86, मतलब लगभग मान लीजिए 176 प्लेयर्स यहाँ पे जो खेल रहे हैं सभी का नाम यहाँ पे छपा हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत सारे नोटिस भी लगे हैं कि जैसे आज लास्ट डे है जो 1:30 PM के बाद लंच दिया गया है AICF प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन भी है कि सारे मिनट्स ऑफ टेक्निकल मीटिंग यहाँ पे है, आपको देखना है कि सारा चीज़ जो भी ऑफिशियली एग्रीड है वो वहाँ पे दिखा देते हैं एंड टूर्नामेंट का शेड्यूल भी यहाँ यहीं पर है। एंड ऐसे अगर कोई राउंड वाइज अनाउंसमेंट भी है कि राउंड 11 स्टार्ट 9:30 एंड सारे छोटे छोटे नोटिसेस भी यहाँ पे लगे हुए हैं। बट ये दोस्तों जो पेयरिंग्स आपको नॉर्मल ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में नहीं दिखते हैं आपको यहाँ पे देख के वही टेबल पे टूर्नामेंट हॉल में अंदर बैठना है और वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड दोस्तों ऑफ कोर्स पैंडमिक की वजह से जो सारे रेगुलेशंस है कोविड रेगुलेशंस के लिए मेडिकल हेल्प भी दिया गया है। ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में डॉक्टर्स रूम है हमारे यहाँ पे, हेल्पर्स वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं जो आपको मास्क भी देते हैं एंड यहाँ पे कोई रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी होती है अगर कोई प्लेयर्स को चाहिए तो। एंड सारे प्लेयर्स को यहाँ पे आने के 48 पहले के अंदर का RT-PCR नेगेटिव रिजल्ट भी दिखाना है। ये आई थिंक एक टेम्प्ररी सोल्यूशन है, होपफुली कि पैंडेमिक सॉल्व हो गया तो ये चीज़ नहीं होगी। बट अच्छा है कि यहाँ पे मेडिकल हेल्प भी है उपलब्ध हमारे चेस प्लेयर्स के लिए। तो ये है हेल्प डेस्क जो कि आजकल हर एक टूर्नामेंट हॉल के बाहर होता है, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं बट ऑफलाइन टूर्नामेंट्स में आप आपका फ़ोन या बैग नॉर्मली लेके नहीं जा सकते। सो आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क में आपको फ़ोन सबमिट करना होगा एंड ये है सर हमारे जो फ़ोन से कलेक्ट करते हैं और आपको इसमें रख देंगे और आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा एंड गेम ख़त्म होने के बाद आप वापस वो टोकन नंबर देके आप फ़ोन लेके जा सकते हैं। ये है और ओवर द बोर्ड थिंग्स चीटिंग अवॉइड करने के लिए कि फ़ोन अलाउड नहीं है एंड यहाँ पे आप बैग्स वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं अगर आपको कोई गेम के पहले आपको कुछ सबमिट करना है तो। और दोस्तों यह है स्नैक काउंटर, यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेकफास्ट चालू हो गया 10:30 AM से 12 PM तक। बट यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं स्नैक काउंटर है। ऑलमोस्ट हर एक टूर्नामेंट के बाहर आजकल ये होता है कि आप थोड़े बहुत स्नैक्स ले सकते हैं। गेम के बीच में दोस्तों आप आ सकते हैं स्नैक्स खाने के लिए बट सिर्फ आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि फीडे रूल्स के स्ट्रिक्टली खिलाफ है। तो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं एंड आप यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद ये काफ़ी रेयर है कि एक ऑर्गेनाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट स्नैक्स दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली पेड होता है, नेशनल इवेंट है तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे एंड नॉर्मली ये चार्जेबल बेसिस पे होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट या स्नैक्स के साथ कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है, आप कॉफ़ी या चाय भी अवेल कर सकते हैं। ये भी आपको पीना अलाउड है गेम के बीच, कोई प्रॉब्लम। बट नॉर्मली अवॉइड कीजिए आप बोर्ड पे खाना या पीना, क्या अपोनेंट को डिस्टर्ब हो सकता है। पानी आप पी सकते हैं बट चाय या खाना अवॉइड कीजिए बोर्ड पे, बट आप बाहर आके ये अवेल कर सकते हैं। एंड ये है स्नैक काउंटर एक टूर्नामेंट हॉल के बाहर। और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले टाइम बताया था कि आप ब्रेक ले सकते हैं गेम के बीच में, चाय वाय पी सकते हैं एंड आप गेम के वक्त बहुत ही चिल कर सकते हैं गेम के बीच में। और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सो व्हाट्स अप, हाउ इज योर गेम गोइंग। तो जैसे कि आप दोस्त लोग देख सकते हैं कि चेस में गेम में बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ ये गलती मत करना जब भी आप OTB या फिर यानो फिजिकल गेम खेल रहे हैं। आप गेम के दौरान आपके अपोनेंट को छोड़कर किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो ये है टूर्नामेंट हॉल का एंट्रेंस और आप अभी अंदर आ सकते हैं हमारे साथ। टूर्नामेंट हॉल कैसे दिखाया जाता है, तो देख सकते हैं कि टूर्नामेंट का
होर्डिंग्स लगा हुए हैं यहाँ पे, एंड आपको बेसिकली रुकना है आपके आपके अंदर जाके आपको देखना है आपकी आपका टेबल नंबर जहाँ है जो हमने बाहर दिखाया हुआ है, आपको आपके अपोनेंट के लिए रुकना है। एंड जैसे ही आर्बिटर्स बोलेंगे कि स्टार्ट योर गेम्स, आपको हैंडशेक करके गेम स्टार्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों दो अरीनाज दिए हुए हैं, यहाँ पे एक हॉल नंबर वन यहाँ पे, दूसरा हॉल ऊपर भी है यहाँ से ऊपर। उसके बाद आपको बेसिकली चूज देखना है कि आप 1 to 48 में हो या 48 के ऊपर हो। ऐसे डिवाइडेड होता है टूर्नामेंट हॉल्स, क्योंकि सभी प्लेयर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स है यहाँ ये वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि स्पेसिंग दी हुई है सारे प्लेयर्स को। एंड आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है, कि लाइव एक्शन विद टूर्नामेंट हॉल फील्स बहुत ही जल्द। के बाद आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं एक साथ में। जो AICA प्रेसिडेंट है उन्होंने ये लंच रखा है सभी प्लेयर्स के लिए, मोस्टली ऑर्गेनाइज ये रखते हैं। बट आपको ये भी एक्सपीरियंस मिलेगा आपके अपोनेंट्स और आपके फ्रेंड्स से आप खाना खा सकते हैं एक ही हॉल में। एंड इसके बाद आएगा क्लोजिंग सेरेमनी, जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ट्रॉफीज एंड इंटरव्यूज एंड कैसे होगा एक चेस टूर्नामेंट का क्लोजिंग सेरेमनी। सेरेमनी खत्म हो चुका दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे हैं निकलने की रेडी में, सूटकेसेस भी हैं सभी के पास, सारे टीम फोटोज ले रहे हैं अपने अपने टीम्स के साथ वहाँ पे, एंड सारे लोग चाय कॉफ़ी से चिल कर रहे हैं। जो जो कि ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं वहाँ पे टी शर्ट्स भी दे रहे हैं सारे प्लेयर्स को एज अ मोमेंटो यहाँ पे। एंड इसी के साथ ये है कि हाउ अ चेस टूर्नामेंट हैपेंस इन इंडिया, अ फिजिकल एंड ओवर द वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट।